हेलो दोस्तों, हमारे ABS क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, हम आज आपको पढ़ाएंगे नोबेल पुरस्कार के विजेता 2019 में किन किन महान व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, उसका नाम आ चुका है लिस्ट, लेकिन इसे दिया जाएगा दिसंबर में, 10 दिसंबर को दिया जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं आखिर ये नोबेल पुरस्कार है क्या चीज़। तो इसमें हम देखते हैं कि अल्फ्रेड बर्नहार्ड एक महान वैज्ञानिक थे। ये स्वीडन एक देश है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, वहाँ के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट यह एक बहुत विस्फोटक पदार्थ होता है। अब हम देखते हैं कि पहले ये देख लेते हैं, मैप में देखते हैं कि ये स्वीडन है कहाँ पे। तो ये देखिए, जैसे कि ये हमारा भारत है और हमारे भारत से चलते हैं, ये यहाँ पे स्वीडन, ये एक देश है स्वीडन, और इसके बगल में है नॉर्वे। यह एरिया यूरोप महाद्वीप में आता है और ये पूरा भारत हमारा एशिया में आता है। अब हम बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्रारंभ कब से हुआ। तो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 से हुआ और यह अब तक प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसके क्षेत्र हैं भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, चिकित्सा यानी मेडिसिन, साहित्य यानी लिटरेचर, और शांति के क्षेत्र यानी पीस के क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि ये हमने तो पढ़ा कि इसे स्वीडन में दिया जाता है, तो बात करते हैं, देखते हैं भौतिकी का और रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा, साहित्य, इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि इनका जो राशि और पुरस्कार है वह स्वीडन में मिलता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और बाकी जो ये शांति का क्षेत्र है, शांति के क्षेत्र में जिसको दिया जाता है, तो स्वीडन के जस्ट बगल में नॉर्वे देश है। नॉर्वे देश, इसकी राजधानी ओस्लो। तो यह जो नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में जिसे दिया जाता है, उसे नॉर्वे में दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये आखिर इसमें दिया क्या जाता है। तो इसमें दिया जाता है 4 करोड़ रुपये दिया जाता है। 24 कैरेट शुद्ध सोना है, लेकिन 23 कैरेट से बना हुआ एक मेडल दिया जाता है, मेडल। और उसके सामने में हमारे अल्फ्रेड नोबेल जी का चित्र होता है, और उसके पीछे हमारा जिस कार में या जिस क्षेत्र में दिया जाता है उसका चित्र होता है। अब हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में किन किन महान व्यक्तियों को दिया जाएगा, अभी 10 दिसंबर को दिया जाएगा। तो ये देखते हैं, इसका हम एक सरल से सरल ट्रिक लाए हैं, इसको हम पढ़ेंगे कमीज। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे फिजिक्स ने हमें सब कुछ दिया है, जितने भी यंत्र बनाए गए हैं उसमें हमें फिजिक्स के द्वारा ही बनाया जाता है। तो कमीज भी फिजिक्स के आदि यंत्रों के द्वारा ही बनाया गया। अब इसमें देखते हैं कि जैसे हम याद कैसे करेंगे, ये क हो गया, तो क से हम याद करेंगे कैलोज। हम मानते हैं कि यह बहुत कठिन है इन वैज्ञानिकों का नाम याद करना, इसलिए हम इसके सरल से सरल नाम छोटा सा छोटा ढूंढ सकते हैं। तो इसमें देखिए क से है, तो डाइडर कैलोज है। इसके बाद हम देखेंगे म से हमारा माइकल मायर है। और ज से है जेम्स पॉवेल है। अब हम देखते हैं कि ये जो जेम्स पीवल हैं, ये एक महान वैज्ञानिक, इन दोनों को मिला करके, और इनको सिंगल, मतलब कि जो राशि इनको अकेले दिया जाएगा, तो इन दोनों को मिला के उनकी राशि का 1/2 भाग दिया जाएगा, मतलब आधा आधा इनको दिया जाएगा और पूरा इनका भाग इनको दिया जाएगा। अर्थात ये है कि इसमें 4 करोड़ इन्हें दिया जाएगा और 2-2 करोड़ यानी बांट के इनको दिया जाएगा। अब हम देखते हैं रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, ये हम कोड लेके आए हैं, इसका बहुत सरल ट्रिक है सजना। जैसे कि अब हम
ये हमारे रसायन का देन क्या है, जैसे हम सजते संवरते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, उसी से हम एक थोड़ा सा रीजनिंग करके रखेंगे सजना। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि सा, सा से हम याद कर सकते हैं यम स्टेनले हुइंटिगम है, तो स्टेनले हो गया। ठीक, इसके बाद ज से देखते हैं जॉन बी गॉर्डनफ है, तो इसमें हम जॉन से याद कर सकते हैं। और इसके बाद ना, ना को हम छोड़ देते हैं, आ थोड़ी सी रीजनिंग करके रखेंगे, इसमें आ को देखते हैं हम आकिरा योशिना है। ठीक है, अब इससे हम याद कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ये हमने कहा कि इस ना को छोड़ दीजिए, लेकिन ये रीजनिंग करके रखेंगे तो देखेंगे कि ये जो लास्ट में ये ना है इस शब्द के लास्ट में ना, तो मतलब लास्ट में इसके ना ही आएगा। इस प्रकार से हम जैसे ऑब्जेक्टिव है, हमसे कोई नाम पूछेगा तो हम तो पूरा नाम बता नहीं सकते, लेकिन एग्जामों में ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में हम रीजनिंग करके रखेंगे तो हम आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए।